टीकमगढ़ जिले में आपराधिक मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में दूसरा मामला हत्या का सामने आया है, जहां मवई रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त पुष्पेंद्र यादव निवासी दंगयाना के रूप में हुई है। जैसे ही परिजनों को घटना के बारे में जानकारी लगी, पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुरानी रंजिश के चलते मृतक के साथ मारपीट कर निर्मम हत्या की गई। पुलिस ने परिजनों के बताए गए अनुसार मामला दर्ज किया तो मजबूरन परिजन व समाज के लोगों को अस्पताल चौराहे पर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जब मामला तूल पकड़ता नजर आया तो सैकड़ों की तादाद में मौके पर पुलिस पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया गया और मामले को शांत कराया गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि पुलिस प्रशासन कार्यवाही को लेकर सख्त कदम उठा लेती तो ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और न ही पीड़ित परिवार और जनता में आक्रोश पैदा होता। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। ग्राम मवई के पास पुष्पेंद्र यादव पिता जसरथ यादव उम्र 28 वर्ष रेलवे ट्रैक के पास मृत अवस्था में प्राप्त हुई थी डेड बॉडी, तो उनके परिजनों ने लेके यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित की थी। उनको आशंका थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, उनको भरोसा दिलाया गया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी फैक्ट बाद में जांच के दौरान विवेचना के दौरान प्राप्त होंगे वो भी FIR में जोड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनको हमने अभी तत्काल PM पैनल से करा के PM रिपोर्ट की कॉपी भी प्रदान कर दी है, FIR की कॉपी भी प्रदान कर दी है। बाद में विवेचना में जो भी फैक्ट आएंगे वो FIR में इंक्लूड किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कितने आरोपी जो भी आरोपी FIR में बताए गए हैं, अभी 3 आरोपियों के नाम लिखे गए हैं और जो भी बाद में फैक्ट में आएंगे जांच के दौरान आएंगे वो भी पुलिस विवेचना में जो भी प्राप्त होगा वो भी जोड़ा जाएगा। ऐसा क्या था कि इतना समय लग गया इन लोगों को मनाने के लिए, 6 घंटे हो गए, लोग काफ़ी परेशान होते रहे। जब कोई भी इशू आता है तो भरोसा पैदा कराने में थोड़ा समय लगता है, वो थोड़ा सा लग गया है, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।